हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज ओस्लो में नोबल पीस प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और उससे रिलेटेड जो भी स्पेशल इन्फॉर्मेशन है और सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे इस वीडियो में लेके आए हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत सारी नोबल पीस प्राइज़ से रिलेटेड बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके लिए लेके आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। नमस्कार, मैं कपिल मित्तल आप लोगों का हमारे चैनल कंपटीशन टाइम्स में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा दोस्त। और जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको इस तरीके के महत्वपूर्ण वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें और आप जो है इनसे लाभान्वित होते रहें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ, और इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं, इसीलिए अंत तक बने रहिएगा, देखिएगा। तो पहले हम बात करते हैं नोबल पीस प्राइज़। तो ये नोबल पीस प्राइज़ जो है, अल्फ्रेड नोबल, जिन्होंने डायनामाइट का जो आविष्कार किया था और इनसे दुनिया हेट करती थी, और इसीलिए इन्होंने जो है अपनी विल बनाई और विल के तहत जो है इन्होंने 5 नोबल प्राइज़ जो है क्रिएट किए 1895 में। और यहाँ पे केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिजियोलॉजी एंड जो है लिटरेचर और पीस प्राइज, ये 5 प्राइज इन्होंने यहाँ पे क्रिएट किए थे अपनी विल के अनुसार, अपनी वेल्थ से। और इसमें एक और प्राइज जो है वो इकोनॉमिक्स का जोड़ा गया, और लेकिन जो है इनमें से बाकी ये पीस प्राइज जो है ये आपके नॉर्वे द्वारा दिया जाता है, बाकी 5 प्राइज जो हैं वो स्वीडन में दिए जाते हैं। और यहाँ पे जो ये पीस प्राइज है, इसकी बात करें तो ये मार्च 1901 से दिया जा रहा है और ये हर वर्ष दिया जाता है। और ये किस लिए दिया जाता है? डन फॉर द मोस्ट और द बेस्ट वर्क फॉर द फ्रेटर्निटी बिटवीन नेशंस। तो ये जो है किन्हीं दो कुछ राष्ट्रों या दो राष्ट्रों के बीच में भाईचारा डेवलप करने के लिए, फॉर द एबोलिशन और रिडक्शन ऑफ द स्टैंडिंग आर्मीज। और कहीं पे भी अगर आर्मी आर्म्ड सिचुएशंस बन गई हैं तो उनको अवॉइड करने के लिए और विश्व में जो है शांति कायम करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे इस बार का जो 2020 का जो नोबल प्राइज़ है वो कुछ विशेष है, और ये विशेष क्या है कि ये इस बार जो है ये नॉर्वेजियन नोबल कमेटी द्वारा दिया जा रहा है, जो कि 5 मेंबर कमेटी है। और ये जो कमेटी है ये पार्लियामेंट ऑफ नॉर्वे द्वारा ये बनाई गई है। और ख़ास बात ये है कि ये जो प्राइज़ दिया जा रहा है इस बार, ये यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो के एट्रियम में दिया जा रहा है, जहाँ पे ये हर बार नहीं दिया जाता है यहाँ पे। और पहले कब कब दिया गया है? 1947 से लेके 1989 तक, 1989 तक यह पुरस्कार जो है यहीं एट्रियम ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो में पहले भी दिया गया है, लेकिन तब उसके बाद से ये दूसरी जगह दिया जा रहा था। उसके बाद ये कहाँ दिया जा रहा था? ये ओस्लो सिटी ऑफ हॉल में दिया जा रहा था 1990 से 2019 तक, लेकिन वापस जो है ये इस बार जो है यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो में ये दिया जा रहा है। और दोस्तों, यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये है, यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो में यहाँ पे एबल प्राइज जो है ये भी यहीं पे दिया जाता है, ठीक है। वहीं नॉर्वेजियन नोबल इंस्टीट्यूट में जो है 1905 से 1946 के बीच में दिया गया, और पार्लियामेंट के अंदर, नॉर्वे की पार्लियामेंट के अंदर 1901 से 1904 में दिया गया। तो पहली बार जो है ये पार्लियामेंट में दिया गया था पहली बार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेशल फैक्ट्स की बात करेंगे जो जनरली इसके विषय में लोगों को नहीं पता होते हैं। तो नंबर ऑफ नोबल पीस प्राइजेज अभी तक जो है ये कितने बार ये दिया गया है? तो 1901 से 2019 तक 100 बार जो है ये दिया गया है, 100 नोबल पीस प्राइज दिए गए हैं। और जो है इनमें 19 ओकेजन्स ऐसे रहे हैं अभी तक, शुरू से अब तक, जब ये प्राइज़ नहीं दिया गया है, तो वो यहाँ पे वर्ष लिखे हुए हैं, इनको आप देख लीजिएगा। वहीं बात करें ये किन किन के बीच में शेयर हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, शेयर्ड एंड अनशेयर्ड, तो यहाँ पे 68 पीस प्राइजेस हैव बीन गिवन टू 1 लॉरेट ओनली। तो यहाँ पे अभी तक 68 बार ये ऐसा हुआ है कि केवल एक ही व्यक्ति को दिया गया है। वहीं 30 बार ऐसा हुआ है ये दो लोगों ने शेयर किया है, और 2 प्राइज़ जो हैं ऐसे हैं जो 3 लोगों ने शेयर किए। तो ये 3 लोगों वाले कम हैं संख्या में, इसलिए थोड़ा महत्वपूर्ण है। 1994 में ये यासर अराफात, सिमोन पेरिस एंड यजक रैबिन, इन्होंने शेयर किया था। और 2011 का जो नोबल प्राइज़ है ये एलन जॉनसन, सरलीफ लेमन बोबी एंड तवाक्कुल करमन, इन्होंने, ये तीनों महिलाएं हैं, तो इन्होंने 2011 में शेयर किया था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अभी तक नंबर ऑफ नोबल पीस प्राइज लॉरेट्स कितने लोगों को ये मिल चुका है, तो वहीं बात करें 107 इंडिविजुअल्स को मिला है और अभी तक 27 ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल लेवल पे जिनको ये नोबल पीस प्राइज मिल चुका है। वहीं बात करें कि सबसे ज़्यादा बार किसे मिला है, तो हम शॉर्ट में रेड क्रॉस बोलते हैं, तो यहाँ पे इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, जिसे हम रेड क्रॉस सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं, उसे सर्वाधिक ये 3 बार मिला है। और वहीं ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, ठीक है, तो UNHCR इसको ये 2 बार मिला है। वहीं पे बात करें देर वर 107 इंडिविजुअल्स एंड 24 ऑर्गेनाइजेशंस, तो इनको जो है ये मिल चुका है। वहीं ये यहाँ पे रेड क्रॉस के जो चेयरमैन हैं, फाउंडर हैं, उनको भी यहाँ पे रेड क्रॉस फाउंडर तो उनको भी यहाँ पे ये 1 बार जो है नोबल मिल चुका है, नोबल पीस प्राइज जो है पीस प्राइज मिल चुका है। तो ये इसके अलावा है, रेड क्रॉस को तो संस्थागत तौर पे मिला है और इसके जो फाउंडर हैं उन्हें इंडिविजुअल के तौर पे। वहीं बात करें कि ये सबसे यंगेस्ट पीस प्राइज लॉरेट कौन है, तो ये मलाला यूसुफजई, ये पाकिस्तान की एक्टिविस्ट हैं और इन्होंने फीमेल एजुकेशन के लिए इन्हें मिला था और इनको आतंकवादियों ने गोली मार दी थी सर में और ये बच गई थी और तब जो है यहाँ पे इनको ये पीस प्राइज दिया गया, और ठीक है 2014 में इनको 17 वर्ष की उम्र में दिया गया। वहीं ओल्डेस्ट पीस प्राइज लॉरेट तो ये है पॉलिस हैं, ये पोलैंड के हैं, और जोसेफ रॉटबिलेट, तो इनको 87 की उम्र में दिया गया। वहीं फीमेल्स की बात करें तो कितनी फीमेल्स को दिया जा चुका है, आउट ऑफ 107 इंडिविजुअल्स जो अभी तक 107 लोगों को जो दिया गया है उसमें से केवल 17 महिलाएँ हैं। और तो इनमें जो सबसे पहली बार किसी महिला को जो मिला है 1905 में बार्था बॉन सुटनर को मिला है। और मल्टीपल नोबल पीस प्राइज लॉरेट्स, तो यहाँ पे किस किस को ये मल्टीपल टाइम्स मिल चुका है, तो यहाँ पे जो रेड क्रॉस है हमने पीछे भी बात की थी, इनको 3 बार मिल चुका है, और इनके जो फाउंडर हैं रेड क्रॉस के हेनरी डुनेंट, तो इनको भी ये जो है यहाँ पे पहला जो नोबल प्राइज है पीस प्राइज 1901 का मिल चुका है। वहीं लाइनस पॉलिंग जो है इनको 2 बार यहाँ पे नोबल प्राइज 2 मिल चुके हैं, 1954 में इन्हें केमिस्ट्री का मिला था और 1962 में इन्हें पीस का प्राइज मिला था। ये रेड क्रॉस सोसाइटी हो गई, ये यूनाइटेड नेशंस की संस्था हो गई UNHCR। और यहाँ पे हम बात करें वन पीस प्राइज लॉरेट डिक्लाइंड द नोबल पीस प्राइज, तो यहाँ पे जो है वियतनाम के पॉलिटिशियन हैं ली डुक थो, तो इन्होंने जो है नोबल पीस प्राइज 1973 में इनको मतलब डिक्लेयर हो गया था, लेकिन इन्होंने इसको रिसीव करने से मना कर दिया और इन्होंने बोला कि भाई वियतनाम कॉन्फ्लिक्ट जो है ये चल रहा है और इसके तहत जो है हम जो है ये प्राइज़ अभी नहीं ले सकते हैं जब तक हमारे वियतनाम में सिचुएशन सॉल्व नहीं हो जाती, ठीक है। और ये 1973 में इनको जॉइंटली अवार्ड किया गया था, इनको किसके साथ में, ये यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर थे। तो बेसिकली 1959 से 75 के बीच वियतनाम कॉन्फ्लिक्ट चला था, वियतनाम वॉर चली थी, इसमें नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम 2 गुट थे और नॉर्थ वियतनाम को USSR सपोर्ट कर रहा था, साउथ वियतनाम को यूनाइटेड स्टेट्स। और यहाँ पे इन दोनों को ये जो लड़ाई थी इसको ख़त्म करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। तो नोबल पीस प्राइज लॉरेट्स अंडर अरेस्ट, ऐसे कौन कौन से हैं जो जिनको जब ये मिला तब वो जेल काट रहे थे, ठीक है, सजा काट रहे थे, तो जर्मनी के हैं ये कार्ल वॉन ओसेट्स्की, और बर्मा के हैं ये आंग सांग सू की, मतलब म्यांमार, ठीक है। और यहाँ पे चाइना के हैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ल्यू जियाबो, ठीक है, और ये भी जेल में थे और इनको ये दिया गया। पोस्टमस की बात करें दोस्तों, यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये है कि कोई भी नोबल प्राइज जो है किसी को भी मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक अपवाद है, ये 1961 में जो है ये नोबल पीस प्राइज जो है ये मरणोपरांत दिया गया था डैग हैमर्सकोल्ड, ठीक है, और बाद में 1974 में जो है स्टैच्यूट ऑफ नोबल फाउंडेशन, तो यहाँ पे उन्होंने एक डिसीजन लिया कि
1974 में लिया गया, ठीक है, कि ये जो कोई भी नोबल प्राइज़ है ये किसी को भी मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा, ये केवल उस सिचुएशन में दिया जा सकता है अगर किसी का नाम डिक्लेयर हो गया है और उसके बाद में वो मर जाता है, केवल उस सिचुएशन में ही दिया जाएगा। यहीं पे महत्वपूर्ण बात ये है, 1974 में जब ये डिक्लेयर हुआ, इससे पहले देखिए यहाँ पे इनको जो है नोबल पीस प्राइज मिला है, लेकिन यहाँ पे मरणोपरांत एक और व्यक्ति हैं, एरिक एक्सेल कालफील्ड, तो इनको जो है ये नोबल लिटरेचर का नोबल मिल चुका है मरणोपरांत, ये 1931 में मिला है। ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। वहीं बात करें कि सरप्राइज नोबल पीस प्राइज लॉरेट, तो सरप्राइज नोबल पीस लॉरेट जो हैं यहाँ पे विंस्टन चर्चिल, इनको जो है 1953 में जो है नोबल प्राइज मिला था, लेकिन पूरी दुनिया ये मानती है कि ये जो हैं इनको ये पीस प्राइज़ मिला है। जनरली पॉलिटिशियंस को जो है नोबल पीस प्राइज़ ही मिलता है, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात ये है कि इनको जो ये प्राइज़ मिला था वो लिटरेचर प्राइज़ मिला था, नोबल प्राइज़ जो है यहाँ पे ये लिटरेचर के फील्ड में मिला था, इनको पीस प्राइज़ नहीं मिला था। लेकिन ये दोनों के लिए नॉमिनेट हुए थे, तो लोग यही सोचते हैं कि इनको पीस प्राइज़ मिला है और लिटरेचर तो उनको नहीं पता है, इसीलिए इसको सरप्राइज नोबल पीस प्राइज़ लॉरेट बोला जाता है विंस्टन चर्चिल को, ठीक है। वहीं बात करें कि ऐसे कौन कौन महत्वपूर्ण पर्सनैलिटीज़ हैं जो जिन नॉमिनेट हो चुके हैं कई बार, लेकिन उनको नोबल पीस प्राइज़ नहीं मिला है, तो उनमें तीन नाम आते हैं महत्वपूर्ण, एडोल्फ हिटलर, महात्मा गांधी, जोसेफ स्टेलिन। तो जोसेफ स्टेलिन जो हैं ये इनको 1945-1948 इसमें इन्हें जो है नॉमिनेट किया गया था लेकिन नहीं मिला। वहीं महात्मा गांधी को 1937-38-39-47 इसमें और आखिर में जो है 48 में भी इन्हें जो है यहाँ पे क्या किया गया था, नॉमिनेट। तो यहाँ पे चार बार इन्हें यहाँ पे 48 में नहीं किया गया था, तो 37, 38, 39, 47 इन चार वर्षों में इन्हें नॉमिनेट किया गया था और लेकिन इन्हें नहीं मिला। और 48 में जो है इनका असैसिनेशन हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी, हत्या हो गई थी, तो 1948 में इनकी इन्हीं की वजह से ही, क्योंकि इनकी हत्या हो गई थी, इस वजह से इन्होंने डिसाइड किया नोबल कमेटी ने, नॉर्वेजियन नोबल कमेटी ने, कि देयर वाज नो सुइटेबल लिविंग कैंडिडेट, और इस वजह से 1948 में ये किसी को नहीं दिया गया। वहीं एडोल्फ हिटलर, तो एडोल्फ हिटलर को 1939 में जो नॉमिनेट किया गया था, लेकिन केवल एक हंसी मजाक में इन्हें नॉमिनेट किया गया था, एक्चुअल में इन्हें सीरियसली नॉमिनेट नहीं किया गया था। वहीं बात करें कि नॉर्वेजियन कमेटी के द्वारा ही नोबल पीस प्राइज़ क्यों दिया जाता है, तो यहाँ पे जो अल्फ्रेड नोबल साहब हैं, तो अल्फ्रेड नोबल साहब जब जिंदा थे तो उन्होंने उस टाइम पे नॉर्वे और स्वीडन जो है ये अलग अलग देश थे, लेकिन ये जो है एक ही राजा के, एक ही साम्राज्य के अधीन आते थे, और 1905 तक ये जो हैं ये जो है एक ही राज्य में थे, ठीक है। तो ऐसे में इन्होंने अपनी विल के अनुसार ये बोला था कि भाई चार प्राइज स्वीडन से मिलेंगे और एक प्राइज़ नॉर्वे से मिलेगा, और इसी के तहत ही नॉर्वे में ये प्राइज़ दिया जाता है। वहीं बात करें कि ये नोबल पीस प्राइज़ मेडल की, तो ये जो मेडल है, मेडल की डिज़ाइन, ये जो बाकी अन्य नोबल प्राइज़ के मेडल हैं उनसे कुछ डिफरेंट है ये नोबल पीस प्राइज़ मेडल, क्योंकि ये नॉर्वे द्वारा दिया जाता है। बाकी मेडल जो हैं वो थोड़े अलग होते हैं, उनकी जो डिज़ाइन है वो अलग होती है, वो स्वीडन द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये पीस प्राइज़ है, नोबल पीस प्राइज़ का मेडल, इसके डिज़ाइनर कौन है, गुस्टाव विगलैंड हैं, और ये बहुत ही बड़े जो हैं ये स्कल्प्टर हैं, ठीक है। वहीं बात करें, व्हाई आर द इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस अवार्डेड अ नोबल प्राइज कॉल्ड नोबल लॉरेट, ठीक है। तो नोबल लॉरेट यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है, लॉरेट जो है इट रेफर्स टू बीइंग सिग्निफाइड बाय द लॉरेल रैथ, ठीक है। ये जो है उस जमाने में यहाँ पे जो अपोलो हैं, अपोलो देवता हैं, तो इनके सर पे जो है एक लॉरेल रैथ यहाँ पे होती है, ये इस तरीके का एक चक्र या क्या बोलेंगे इसको, इसको हम बोलेंगे एक मुकुट टाइप का या रिंग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रिंग, ठीक है। और ये जो है ये बताती है, ये विक्टर्स को शो करती है या विजेताओं को या फिर कोई विशेष पर्सनैलिटी को, इसीलिए इसके विजेताओं को नोबल लॉरेट बोला जाता है।
ठीक है दोस्तों, आपको हमारा आज का सेशन कैसा लगा? और यहाँ पे अभी अभी ये डिक्लेयर होने वाले हैं नाम, और इसके लिए अगले वीडियो को देखने के लिए फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन लोगों को ये अच्छा लगा हो फटाफट से कमेंट करके बताइए हमें आपको कैसा लगा है और किस तरीके के आपको और वीडियोस आपको चाहिए। और हम समय समय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ एग्ज़ाम ओरिएंटेड लेके आते हैं, और इसीलिए हमारे चैनल को जो है नोटिफिकेशन बटन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। और चलिए यहाँ पे आपसे अलविदा लेता हूँ, मैं कपिल मित्तल, जय हिंद जय